दादू जी के यहाँ जाएंगे, मीट चावल खाएंगे, ठीक है? खूब भालो लागे छे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? याद होगा यार आपका अपना भाई आसू देवरा। आसू देवरा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि थंबनेल और टाइटल से आपके जी में पानी तो आ ही गया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ का सबसे फेमस और सबसे ओल्ड चंपारण मीट हाउस का वीडियो मैं देने वाला हूँ और कैसे बनता है सारी जानकारी लूँगा। और ये है, आप देख सकते हैं इस जगह पे तारा मंडल और उसके ठीक सामने वाले गली में और फ्रंट पे आपको कुछ ही दूर आगे बढ़ेंगे तो ये चंपारण मीट हाउस आपको मिल जाएगा इस जगह पे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स चलिए आपको यहाँ के भैया से मुलाकात कराता हूँ। भैया आपका शुभ नाम क्या हो गया? राजू चंपारण। राजू चंपारण। और भैया यहाँ पे तो सबसे पुराना ओल्ड और काफी फेमस मीट हाउस है, इसका राज थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। राज यही है कि मटन हम सही अच्छा बनाते हैं, मसाला सही बढ़िया देते हैं, तेल उसमें सही डलाता है और एक्यूरेट टाइम में बनता है ताकि टेस्ट कस्टमर को अच्छा लगे। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, और इसकी क्या विधि है, कैसे बनाते हैं, ये सारी भी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और आपका भाई टेस्ट करके भी बताने वाला है कि वाकई में मैंने भी कभी चखा नहीं था, तो इस बार मौका मिला है आपके भाई को। तो चलते हैं और इसका सही रेटिंग आपको बताऊंगा। और भैया सुने कि आप पटना जीरो माइल में भी खोलने वाले हैं और 5 तारीख को ओपनिंग हो चुका है। 5 तारीख को ओपनिंग हो चुका है, हो सकता है तो आपका भाई उसको भी कवर करेगा। तो देखते हैं जैसा मौका मिलता है करते हैं। और चलिए सारी विधि जानते हैं और शुरुआत करते हैं। बताइए कि इसमें क्या क्या रेसिपी सुविधा है? इसमें तेल है जी, कच्चा मटन है जी, उसके बाद में आपका कच्चा मसाला है, प्याज है, ये सब को एक साथ मिक्स करके और घी भी है इसमें, एक साथ मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद इसको पैक करेंगे तो भी दिखाने जा रहे हैं। और इसको फ्रेंड्स देखिएगा कैसे पैक किया जाता है, ये सही तरीका आप देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और आप ये कलर देख के आपको क्या लग रहा है, आपके जी में पानी अभी आ गया होगा। आप देख सकते हैं कैसे लगा रहे हैं, ये देखिए, ये आटा का गुठी है ना? आटा है, आटा है। और इसको देखिए कैसे सेट कर रहे हैं। और ये भट्टी पे समझिए, ये लकड़ी का कोयला का है ना, कोयला का चारकोल, चारकोल पे ये मटन पकाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं चारकोल का टेस्ट कितना खूबसूरत सा होता है। अगर आप घर पे कुछ भी बनाते होंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, सुनहापन रहता है, आप समझ सकते हैं सुनहापन कैसा आएगा। और ये कितना देर तक रखा जाता है? 45 से 55 मिनट तक। 45 से 55 मिनट तक में आपको ये पक कर तैयार हो जाता है। ये 50% अभी हुआ है और ऐसे ही 55 मिनट तक समझिए कि 1 घंटा आप रख दीजिए चारकोल पे, यानी कोयले के भट्टी पे, ये आपको आसानी से पक कर तैयार हो जाएगा। मैं भी मैं आपको सीन दिखाऊंगा कि जब पक कर तैयार होता है तो उसका स्वाद कैसा रहता है, देखने में कैसा लगता है। भैया अगर कोई व्यूअर्स यहाँ पे आएंगे और खाना चाहेंगे तो कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या प्राइस रखे हुए? ये 1200 रुपये के जी है, 1200। हाँ, जो कि मसाला हम लोग का थोड़ा कॉस्टली आता है और मटन भी हम लोग का जो कॉस्टली आता है, इसलिए कि हम लोग प्योर खस्सी बेचते हैं, तो ये चीज़ जो अच्छा चीज़ बेचते हैं इसलिए अच्छा खाता है, तो इसलिए आदमी कहता है कि नहीं राजू जी क्या खाएंगे, वो अच्छा चीज़ बेचते हैं। अगर मतलब इसको जो एक आदमी अगर चाहे 250 ग्राम 200 ग्राम ऐसे खाना तो कैसे क्या प्रोसेस है? ये 250 ग्राम, ये 150 ग्राम और हाफ चावल आपको 200 रुपये में पड़ता है। हाफ चावल और 150 ग्राम मटन सलाद के साथ एक प्लेट,
150 रुपये में पड़ता है। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कितना खा सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड, वो तो आप पे डिपेंड करता है कितना तक। तो फ्रेंड्स आप जब मैं अंदर आया हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पे बैठने की सुविधा यहाँ पे दी गई है और आप देख लीजिए यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ के पब्लिक से भी आपको टेस्ट का स्वाद पूछूंगा कि इनको कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स जब मैं यहाँ पे आया तो हमारे सब्सक्राइबर मिले भैया, भैया आपका शुभ नाम क्या हो गया? रमन कुमार। रमन कुमार, और बहुत ही नाइस नेम है भैया। आप यहाँ पे जब आए थे तो आपको जब खाए तो मीट चावल तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमेशा आते रहते हैं। आप हमेशा आते रहते हैं। और भैया आपका शुभ नाम क्या हो गया? हाय, शिवम नाम है मेरा, यहाँ हमेशा आते रहते हैं, हमेशा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा भाई, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए और भाई को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। तो भैया बताइए आपका शुभ नाम क्या हो गया? नीलाशीष। नीलाशीष, बहुत ही नाइस नेम है भैया। और आप ये मटन जो खा रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए कि आपको कैसा लगता है? पहली बार आया हूँ यहाँ पे पटना में, मेरे भाई भैया ने मेरा यहाँ पे रहने वाला है बोला कि दुकान सबसे फेमस है खिलाने के लिए लेके आया। एक्चुअली मैं कलकत्ता से हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा था ये मटन, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। और कोलकाता में कुछ बोलना चाहेंगे तो इस मटन को बहुत अच्छा लग रहा है, इसको क्या बोला जाता है? खूब भालो लगे छे, खूब भालो लगे छे। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और इनसे भी भैया आपका शुभ नाम क्या हो गया? विश्वजीत। विश्वजीत, बहुत ही नाइस नेम है भैया, कैसा लग रहा है? काफी दिनों से यहाँ पे खा रहे हैं, काफी दिनों से। और हमारे व्यूअर्स लोग को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर पटना में कभी मटन के शौकीन है यहाँ आके खा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, काफ़ी बढ़िया। अरे ऑर्डर लगा, और आप देख सकते हैं इस जगह आपको काफ़ी व्यूअर्स हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। और चलिए मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे भी मैं आपको कुछ व्यूअर्स से जानकारी ले लेता हूँ। जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऊपर वाले फ्लोर पे भी आपको काफ़ी व्यूअर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी फेमस है इनका। और देख लीजिए मैं थोड़ा सा फीडबैक भी लेना चाहूँगा व्यूअर्स लोगों का। अभिषेक। अभिषेक, बहुत ही नाइस नेम है। और हम यहाँ पे पूछने आए हैं कि इनका मीट जो है काफ़ी फेमस है, तो बहुत बढ़िया, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? बहुत बढ़िया टेस्ट है, जितनी बार पटना आता हूँ आता हूँ यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से। दिल्ली से जब भी आते हैं तो यहाँ पे टेस्ट अच्छा लगता है आप लोग, तो आप समझ सकते हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या हो गया? प्रतीक नाम है। प्रतीक नाम है, और आपको कैसा टेस्ट लगा? बहुत बढ़िया था, मैं तो पहली बार आया था। पहली बार आया था जी, और काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा, बहुत। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी व्यूअर्स यहाँ पे आते रहते हैं, और आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा, ये सबसे पुराना ओल्ड चंपारण मीट हाउस है। तो फ्रेंड्स अब आपके भाई की बारी है, और बता दो फ्रेंड्स कि ये सबसे पुराना और असली चंपारण मीट हाउस पे के जगह पे मैं लेके आया हूँ, और इसका फीडबैक आप तो देख ही लिए हैं व्यूअर्स का यहाँ पे, जब यहाँ पे पब्लिक आते हैं उनका क्या कहना है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है ये आपको शॉप। और चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगा ये आपका भाई क्या रेटिंग देता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है आपको मीट और चावल, देख सकते हैं ये है जीरा चावल, और यहाँ पे सलाद दिया गया है, प्याज है, खीरा है और गाजर है। चलिए खाते हैं और पहला टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा स्वाद है। वाह वाकई में फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि ऐसा टेस्ट शायद मुझे नहीं लगता है कि आप कहीं भी टेस्ट कर पाएंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तभी आपको इस स्वाद के बारे में पता चलेगा। वाकई में इनके ग्रेवी में भी काफ़ी ही बेहतरीन स्वाद है, मैं इन्हें 5 में से 5 रेटिंग देना चाहूँगा। फ्रेंड्स राजू जी के यहाँ जाएंगे और मीट चावल खाएंगे, ठीक है ना? ये वाकई में ये जो स्लोगन है वाकई में असली है, और ये असली मीट हाउस है, मैंने टेस्ट करके देखा है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा टेस्ट है, जिसका विवरण मैं क्या दूँ। जब आप यहाँ पे आएंगे, जब आप यहाँ पे खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे सजा करके रखते हैं, और देख लीजिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दीवार पे सारा स्लोगन लिखा हुआ है, इनको कैसे अवार्ड मिला, कब कब मिला है, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे कुछ स्लोगन वगैरह सब लिखे हुए हैं कि राजू जी के यहाँ जाएंगे मीट चावल खाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर इस जगह पे एक बार विजिट कीजिएगा। तो आप जब खाएंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैंने सही शॉप पे लेके आया या नहीं। और आप देख सकते हैं ये मेन काउंटर हो गया, यहाँ पे बिल वगैरह सब कर सकता है। और कैसे कैसे बिल करता है भैया, अगर कोई चाहेंगे फ़ोनपे पेटीएम सारा सुविधा उपलब्ध है, ऑल ऑफ यू सुविधा उपलब्ध है। करके मैं भी नाम ही सुना था, कोशिश रहा कि मैं आपको बताऊं। और आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप कभी बिहार आएंगे तो आपको ऐसा मौका मिले तो आप ज़रूर यहां पे आइएगा। और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस रहेगी, सारी जानकारी रहेगी। तो फ्रेंड्स आपको ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और भाई का वीडियो है जम के शेयर किया कीजिए।